Hello friends, hi, I'm Dr. Pia and you're watching my channel Healthcare by Dr. Pia. So friends, in today's video, I'm going to discuss about very important topic, that is sensitivity. यानी कि दांतों में झंझनाहट होना. सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक विंटर्स में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो आपकी झंझनाहट की प्रॉब्लम है कि विंटर्स में ही ज़्यादातर बढ़ी हुई मिलती है और काफ़ी सारे लोगों को इसकी परेशानी का सामना करना पड़ता है. सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में तीन बातें डिस्कस करूँगी. फर्स्ट इज व्हाट इज सेंसिटिविटी, सेकेंड इज व्हाई इट इज इंक्रीज मोर इन विंटर्स, एंड थर्ड होम रेमेडीज ऑफ द सेंसिटिविटी. सो पहला, सेंसिटिविटी क्या होती है. सेंसिटिविटी यू कैन से दैट एनी टूथ और टूथ पेन और डिस्कम्फर्ट विच इज कॉज्ड इन योर टूथ ड्यू टू एनी रिफ्लेक्स और स्टिमुलाय दैट इज कॉज्ड बाय हॉट और कोल्ड. यानी कि ठंडक में जब आपके दांतों पे कोई भी दर्द या झंझनाहट सी महसूस होती है कुछ भी ठंडा या गर्म खाने से. सो यही, इसी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं. सो सेंसिटिविटी जो होती है वो ठंडक में ही क्यों बढ़ जाती है. सेंसिटिविटी ठंडक में इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो हमारा टूथ होता है वो थ्री लेयर से बना होता है. पहला इनेमल, सेकेंड जो होता है वो डेंटीन होता है, और थर्ड इज पल्प. जो इनेमल होता है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है. सेकेंड आपका डेंटीन होता है वो इनेमल से सॉफ्ट मटेरियल होता है, और इसी में आपकी नर्व फाइबर्स बहुत ज़्यादा फैली हुई मिलती हैं या बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कि जब भी ठंडा या गर्म आप लेते हो तो स्टिमुलेट हो जाती है, और जिसकी वजह से आपकी जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलती है. तो ठंडक में इसीलिए सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा हो चुका होता है, और माउथ में आपकी कुछ भी लेते हो ठंडा तो वो जो है नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है. सो ये तो रही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि सेंसिटिविटी ठंडक में क्यों बढ़ जाती है. नेक्स्ट हम आते हैं होम रेमेडीज की तरफ. सो पहली जो होम रेमेडी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, जिसे आप आसानी से घर में फॉलो कर सकते हैं. सो ये है सॉल्ट वाटर गार्गल. इसमें क्या करना है, आपको एक ग्लास में गुनगुना पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके उसके गरारे करने हैं, जिससे जितनी भी बार आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, लाइक 5 to 6 टाइम्स इन अ डे आपको मिनिमम करना है, और इसके अलावा भी अगर आप कर सकते हो तो करें. सो इससे आपकी जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा. नेक्स्ट जो हमारा होम रेमेडी है वो है शहद को गुनगुने पानी में आपको डालना है और इससे कुल्ले करने हैं. ये जैसे कि आप जानते हैं कि शहद हमारा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल जो होता है वो आपका सेंसिटिविटी को कम करने में काफ़ी हेल्प करेगा. नेक्स्ट, आपको कोई भी जो ठंडा खाना है उसको अवॉइड करना है, या बहुत ज़्यादा गर्म खाना है उसको अवॉइड करना है. अगर आप बहुत ठंडा पानी, आपका जो नल से बहुत ठंडा पानी या एक्वागार्ड से आ रहा है, आपको उसको पहले एक गुनगुना करके उसको एक बॉटल में भर लेना है और तभी आपको उसे कंज्यूम करना है. नेक्स्ट, आपको कोई भी एसिडिक फूड यानी खट्टे फल या खट्टा खाना कुछ भी नहीं खाना है, जैसे कि लेमन्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, आमलाज हो गए, विनेगर्स हो गए यानी कि सिरका हो गया या अचार हो गया, इसको आपको अवॉइड करना है बिकॉज ये सारे फूड आपके माउथ में एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि आपकी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है. और नेक्स्ट है आपका कि आप ऑयल ले सकते हैं, यानी कि सरसों का मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं. उसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, उसको मिक्स करिए और अपने दांतों पर मसाज कर सकते हैं. इससे भी आपकी जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आएगा. नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि आप देखते होंगे कि जब भी आप बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करते हैं तो आपकी जो ऊपर की लेयर है दैट इज़ इनेमल, वो आपकी एब्रेड होने लग जाती है, यानी कि खिसने लग जाती है, जिससे कि डेंटीन जो सेकेंड लेयर होती है वो एक्सपोज हो जाती है. और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो डेंटीन में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. सो इसमें जो स्टिमुलस होने के चांसेस हैं हॉट या कोल्ड से, ठीक है, या सेंसिटिविटी होने के चांसेस हैं, ये बढ़ जाते हैं ठंडक में. सो इसलिए
आपको ये नहीं करना है, आपको एक सॉफ्ट टूथब्रश लेना है और उसको हल्के यानी फिंगर प्रेशर से, मुट्ठी का प्रेशर नहीं, फिंगर प्रेशर से आपको लेके और हल्के हल्के से अपने दांतों पे मसाज करना है, इतना कि जो आपके माउथ में गंदगी है, प्लेक है, कैलकुलस है, वो आपका मिट जाए। नेक्स्ट आते हैं, मार्केट में बहुत सारे सेंसिटिविटी टूथपेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सेंसोडाइन या सेंसोडेंट। आप उनको किसी भी मेडिकल स्टोर से या डेंटिस्ट से परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उससे टूथब्रशिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको सेंसिटिविटी में काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। नेक्स्ट आप आते हैं कि मीठा, यानी कि कभी आप स्वीट फूड खाते हैं तो उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको कुल्ला ज़रूर करना है, और जितना ही आप कुल्ला करेंगे आपको उतना ही ऐसी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम जो है वो आपको कम से कम होगी। सो फ्रेंड्स, ये तो रही होम रेमेडीज़ जो कि आप घर पे इजीली फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी दांतों में झंझनाहट शुरुआत हो चुकी है, झंझनाहट की या थोड़ी मोड़ी सेंसिटिविटी है। बट अगर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम इन होम रेमेडीज़ से भी नहीं जा रही है, देन यू हैव टू विजिट योर नियरेस्ट डेंटिस्ट। आपका नियरेस्ट डेंटिस्ट उस टूथ में हो रही प्रॉब्लम को देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, टूथ केरियस है, या इसके अलावा एब्रेजन जो होता है वो ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो मे भी आपके दांतों में फिलिंग की ज़रूरत हो या किसी और डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। सो अगर होम रेमेडीज से फ़ायदा नहीं मिलता है सो आपको नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास विजिट करना है। सो ये सारी रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हैं आप और सेंसिटिविटी में आपको रिलीफ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू मोर एंड मोर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। टिल देन, बाय बाय।